खरगोन जिले के ग्राम बेड़िया के समीप एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट सेल्दा में शुक्रवार सुबह लुटेरों ने धावा बोल दिया, जिसमें फायरिंग के दौरान एक लुटेरे की जान चली गई। इन गतिविधियों की सूचना मिलने पर प्लांट पर तैनात सुरक्षा जवान मौके पर पहुंचे, जहां करीब 30 से अधिक लुटेरों ने सुरक्षा जवानों पर पथराव कर हमला कर दिया। इस पथराव में एक सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से घायल हो गया। जब जवान लुटेरों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तभी लुटेरों ने धारदार हथियार और पथराव करते हुए वाहन को घेर लिया, जिसके बाद एनटीपीसी के सुरक्षा गार्ड द्वारा हवा में फायर करने से लुटेरे केबल छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए। फायर के दौरान एक लुटेरे की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद एडिशनल एसपी शशिकांत कनकर ने एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव एसडीएम मिलिंद ढोके सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस पूरे मामले में खरगोन एसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि रात्रि में ग्राम सेल्दा स्थित एनटीपीसी के प्लांट में चोरों के द्वारा केबल काट कर चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी वहां के सुरक्षा गार्ड और चोरों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस दौरान किसी के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह खामखेड़ा चौकी पर एक मृत रमेश नामक युवक को लाया गया, जहां पर बताया गया कि उसके भाई को कुछ लोग चोरी करने के लिए रात को लेकर गए थे और आज सुबह उसको मृत अवस्था में हमारे घर छोड़ गए। इस पूरे मामले की जाँच पुलिस टीम के द्वारा की जा रही। सरावत से प्रभु दोगे की रिपोर्ट। ये आज अर्ली मॉर्निंग की बात है, करीब 5:30 के लगभग सेल्दा प्लांट, जो एनटीपीसी का प्लांट है, वहाँ पे कुछ लोग चोरी की नियत से घुसे थे। वहाँ का केबल वायर उन्होंने काटा और काट के लेके निकल रहे थे, तो वहाँ जो सिक्योरिटी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की सिक्योरिटी लगी हुई है, उनको जब इन्फॉर्मेशन मिली और लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो ये जो आरोपी थे इन लोगों ने पथराव किया। इनके पास कुछ वो जो छोटे मोटे तलवार टाइप के, फरसे टाइप के होते हैं, उससे उन्होंने कोशिश की। उधर से भी जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग थे, उन्होंने भी पथराव किया और उसमें से किसी ने हवाई फायर किया। इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग गए। बाद में खामखेड़ा चौकी पे एक व्यक्ति आके ये सूचना दिया कि उसका भाई, जिसका नाम रमेश है, जो इसमें मृतक है, उसको रात में कुछ लोग, गांव के 5-6 लोगों को बता रहा है, चोरी करने के लिए लेके गए थे और सुबह जो है उसको मृत अवस्था में उसके घर पे रख गए हैं। तो वो चौकी में सूचना दिया, उसके बाद पुलिस गांव में गई मौके पे और उसको डेड बॉडी का पंचनामा करके उसको पीएम के लिए रवाना किया है। आगे हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।